एंड वेलकम टू माय चैनल इन एंड ब्यूटी ऑन ड्यूटी। मुझे बहुत जन ने बोला है कि दी आपने हाईलाइट की है तो आप उसके हाईलाइट के बाद कैसे केयर करते हो आप बालों की, और मतलब हाईलाइट के ऊपर स्प्लिटन्स तो नहीं आते, हाईलाइट से बाल तो नहीं झड़ते, बाल तो नहीं रफ होते, या ऐसे कैसे केयर करना चाहिए कि बाल वैसे के वैसे रहे जैसे हाईलाइट के पहले थे। तो मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ कि कैसे आप आपके हाईलाइट के बाद आपके बालों को उतना ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हो और शायद उससे ज्यादा अच्छा और स्मूथ आपके बाल कर सकते हो और विदाउट टेंशन आप हाईलाइट कर सकते हो। सो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बड़ी सी लाइक दे देना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात जो मुझे हर कोई पूछता है कि आपने कौन सा कलर किया है अपने बालों को, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने बालों को बरगंडी कलर किया है जो कि लॉरियल का है और बहुत ही अच्छा कलर है, ब्राउनिश काइंड ऑफ रेडिश काइंड ऑफ थिंग है वो, तो बहुत ही ज्यादा वो कलर अच्छा है और आप भी ऑब्वियसली उसे ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको हाईलाइट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप जरूर मुझे बताना, मैं बिल्कुल हाईलाइट के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। सो फिर फ्रेंड्स, अगर मैंने देखो आप, मैंने हाईलाइट किया है और मैंने ये फर्स्ट टाइम नहीं किया है, ये हाईलाइट मेरी 3 बार मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और ये 4th टाइम मेरी ये हाईलाइट है। और देखो मेरे बाल वैसे के वैसे ही एकदम स्मूथ शाइनी और वैसे ही रहते हैं। तो मैं इसको मेंटेन करने के लिए मैं क्या करती हूँ वो पूरी चीज मैं प्रॉपरली आपको शेयर करूंगी, बिल्कुल भी अलग नहीं बताऊंगी कि मैं उसमें यूज नहीं करती हूँ और वो आपको बताऊ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगी प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आपके बालों को अच्छे से हाईलाइट के बाहर और भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। सो अब फर्स्ट थिंग आती है कि आप आपके बालों को अच्छे से ऑयलिंग करना चाहिए। बहुत जन ऐसे सोचते हैं कि अरे ऑयलिंग करेंगे अपने बालों को तो हेयर कलर तो भाई जाने ही वाला है, वो कुछ रहने वाला है नहीं। पर मैं आपको बता दूं, हाईलाइट ऐसी चीज होती है कि वो शायद से ऑलमोस्ट परमानेंटली रहती है अगर आपने परमानेंट हाईलाइट किया तो वो हाईलाइट पे उस वो कलर का फर्क नहीं पड़ने वाला। इवन अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो आपके बाल की हाईलाइट जो की है वो दिन भर वो डल होते जाएगी, वो मिट जाएगी। तो इसीलिए आप प्रॉपरली आपके बाल को ऑयलिंग करो। फ्रेंड्स, अभी सेकेंड टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी कि आपको प्रॉपरली आपके बाल को कंडीशन करना है। कंडीशन का मतलब ये नहीं कि कंडीशनर यूज करना, कंडीशन का मतलब है आपको बाल को मॉइस्चराइज रखना या कोई भी ऐसी क्रीम लगाना, जो कि कंडीशनर भी आप अप्लाई कर सकते हो या एलोवेरा जेल या दही हो या क्या बोलते हो ये बनाना हो, ऐसा ऐसे मॉइस्चराइज भरी चीज आप आपके बालों को लगाओ, अंडे एग व्हाइट हो, वो आपके बाल को बहुत ही ज्यादा अच्छे से शाइनी और एकदम मतलब मॉइस्चराइज और एकदम मतलब बोलते हैं ना एकदम सुलझे हुए लगे रखेंगे आपके बाल को। और वो मेन तो आप नेचुरल रेमेडी यूज करोगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है। आप चाहते हो तो आप मेरा वीडियो बिल्कुल उस पर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी कंडीशनर के ऊपर, मैंने एग व्हाइट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं आपके बाल को स्मूथ और स्ट्रेटन रखने के लिए। और थर्ड चीज आती है कि आप बहुत ही ज्यादा कम से कम प्रोडक्ट यूज करो। कम से कम प्रोडक्ट यूज करने का मतलब है कि आप हेयर ड्रायर भी बहुत ही ज्यादा कम अप्लाई करो या हेयर स्ट्रेटनिंग दो बहुत ही कम अप्लाई करो, क्योंकि वो हीट लग के तो आपके कलर को और ज्यादा खराब कर देती है और वो कलर आपका फटाक से हीट को पकड़ लेता है कि आपके बाल उसमें बहुत ही ज्यादा रफ हो जाते हैं। और कलर तो जाने ही दो, आपके बाल भी बचे तो बहुत ही बड़ी बात है। तो इसीलिए ये आप गलती बिल्कुल मत करना। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये टिप दूंगी कि आप आपके बाल को अच्छे से वॉश करिए, एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार ही वॉश करिए। अभी ठंडी का सीजन है तो मैं आपको बोलूंगी कि सिर्फ 1 ही बार वॉश करिए आपके बालों को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वॉश करने पर भी बाल का कलर भी उतरता है और आपके हेयर फॉल्स तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। और आपके जो नेचुरल ऑयल होता है ना, जो नेचुरल ऑयल अपने को बालों से मिलता है वो बिल्कुल भी वो खत्म हो जाएगा, तो जो नेचुरल ऑयल आपके बाल को इतना अच्छा रहता है वो ही खत्म हो जाएगा। तो फिर आपके बाल बिल्कुल भी अच्छे और मॉइस्चराइज और शाइनी स्मूथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो कम से कम हेयर वॉश करो। कोई वीडियो जानना हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और फिर ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बड़ी सी लाइक दे दीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा। सो मिलती हूं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।